बहुत ही कमाल कमाल के टेक न्यूज़ है आज की इस वीडियो मेरे पास। तो चलो गाइज जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे पहले टेक न्यूज़ है ये निकल कर आ रहा है, जैसे कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट को अपने काम में लेते हैं, जैसे कि यूज करते हैं लाइक जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर। तो अभी क्या है ना कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से अर्थक्वेक का भी पता लगाया जा सकेगा। तो अभी ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है ना कि वह लेजर लाइट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसके कारण से यहाँ पे दूर से ही किसी मूवमेंट को यहाँ पे सेंस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अर्थक्वेक को सेंस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाएगा। वैसे मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइज अगली जो यहाँ पे न्यूज है वो उन लोगों के लिए जो कि आईफोन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप आईफोन के चाहने वाले हैं और एक आईफोन लेना चाहते हो तो क्या होता है ना कि आईफोन काफी महंगा होता है, तो उसके लिए कई बार किडनी वगैरह और कुछ और भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे एप्पल वालों ने एक न्यू सर्विस लेकर आ रहा है जिसका नाम है एप्पल हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे कोई भी एप्पल का फोन ले सकते हो, iPhone 14, iPhone 13। अब इससे होगा क्या कि जैसे EMI होता है कि मंथली हम लोग पैसे देते हैं, उसी तरह का सर्विस होने वाला है, बट यहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसे देने होंगे। एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद जैसे हम कोई भी OTT का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें मंथली पैसे देते हैं, उसी तरह का यहाँ पे होगा कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, हर मंथ आपको पैसे देने हैं। बट यहाँ पे मान लो आपके पास iPhone 14 है और यहाँ पे iPhone 15 लॉन्च हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करोगे? तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आप जाओ एप्पल के स्टोर में और जाके अपना फोन दे दो, पुराना वाला जो भी आईफोन 14 होगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, आपको आईफोन 15 दे देंगे और आपका जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहेगा उसको कंटिन्यू कर देंगे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा के। तो इस तरह का कुछ सर्विस होने वाला है, जो लोग यहाँ पे आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते अब वो लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे। वैसे आपका क्या कहना है इस सर्विस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइज अपने फोन में आप सिंगल सिम यूज करते हो या फिर डुअल सिम? जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पे दो सिम लगी हुई है, एक जो जियो का मेरा प्राइमरी सिम है जिसको मैं यूज करता हूँ, बट जो दूसरी सिम लगी है वो बैंक OTP वगैरह के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एक तो मैं यूज करता हूँ जियो जिसमें मैं रिचार्ज करवाता हूँ, बट जो मेरा दूसरा नंबर है जिसको मैं कभी कभार यूज करता हूँ OTP वगैरह के लिए, उसमें भी रिचार्ज करवाना पड़ता है। फालतू मेरा जो पैसा है वो वेस्ट जाता है और आपका भी यहाँ पे वेस्ट होता होगा। तो इसी को लेकर सरकार एक नया नियम लाने जा रही है जहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक यहाँ पे ऐसा प्लान देना होगा जिसमें यहाँ पे OTP और कॉल्स आएंगे, मतलब इनकमिंग सर्विस आपको मिलेगी, आउटगोइंग सर्विस नहीं मिलेगी। तो बेसिकली जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जितने भी सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पे एक ऐसा प्लान देना होगा जिसमें इनकमिंग कॉल्स, इनकमिंग SMS की सुविधा मिलेगी, सर्विस मिलेगी, बाकी आपको आउटगोइंग का सर्विस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्लान्स के आने के बाद कम से कम OTP वगैरह जो है वो ले सकते हो, कोई ज़रूरी आपको काम आता है, कोई कॉल वगैरह करता है तो उसको रिसीव कर सकते हो। वैसे क्या इस तरह का प्लान्स आना चाहिए जहाँ पे सिर्फ आपको इनकमिंग की सर्विस मिलती है, आउटगोइंग की नहीं मिलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइस 14 फरवरी को यहाँ पे जो है वो Xiaomi अपना 4K टीवी स्टिक को लॉन्च करने वाली है, जिससे कि आप नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप 10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो और एक यहाँ पे स्मार्ट टीवी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक है, अभी इसके पहले भी एक लॉन्च किया था इन्होंने टीवी स्टिक, बट वो 4K नहीं था, बट यहाँ पे जो आपको 4K तक का क्वालिटी मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 14 फरवरी को लॉन्च होता है तो यहाँ पे क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके प्रीडिसेसर से। तो देखते हैं अगर लॉन्च होता है तो इसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बना दूंगा। तो गाइस महाराष्ट्र के परेल में कुछ लोग ऐसे जियो की टी शर्ट वगैरह पहन के और उसके बाद एक यहाँ पे महिला थी 59 साल की, उसके घर में घुस गए, बोले कि आपका यहाँ पे जियो फाइबर में कुछ यहाँ पे सर्विस करने के लिए आए हैं। तो जैसे वो घर घुसे उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया, उस औरत को, उसके बाद चाकू वाकू मार के जो भी चीज़ उन्होंने चोरी कर पाया चोरी करके चले गए। अब ये जो न्यूज़ है मैं एक्चुअली आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आजकल जो है कुछ अलग अलग ही टाइप का यहाँ पे चोरी वगैरह हो रहा है, फ्रॉड वगैरह हो रहा है, स्कैम वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सुरक्षित रहना है। यहाँ पे डिलीवरी का भी स्कैम चल रहा है जहाँ पे कोई बंदा आता है बोलता है कि ये आपने ऑर्डर किया था बट आपने वो चीज़ ऑर्डर नहीं किया होता है, फिर आपसे बोलता है कि कैंसिल करने के लिए जो है वो OTP चाहिए और कोई भी आपसे अलग OTP ले लेता है, देन आपके पैसे गायब कर देते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर आगे से आप किसी भी बंदे को अपने घर पे बुलाते हो किसी भी सर्विस के लिए, लाइक यहाँ पर TV रिपेयर करना है या फिर फाइबर ब्रॉडबैंड लगाना है, फिर कुछ भी चीज़ के लिए, तो एक बार वेरीफाई जरूर से कर लेना कि वो ऑफिशियल जो वो उसी कंपनी के हैं, उनके ID कार्ड वगैरह होता है। अगर उनका ID कार्ड आपको नहीं मिलता है तो उनको अपने घर में बिल्कुल भी एंटर करने मत देना बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें और सतर्क रहें। तो गाइस जिस तरह से जियो का एयर फाइबर उन्होंने शोकेस करा था जियो वालों ने, वैसे ही यहाँ पे एयरटेल भी अपना जो एयर फाइबर टाइप का एक डिवाइस लाने वाला है जिसका उन्होंने नाम दिया है एयरटेल फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस,
यानी कि इससे क्या होगा कि आपको एक यहाँ पे ऐसा डिवाइस दे दिया जाएगा जो कि आपके घर में फिक्स्ड रहेगा, मतलब कोई भी ऐसे वायर बाहर से नहीं आएगी बट आपके घर में जो फिक्स्ड रहेगा और उसी से आपको जो है वो इंटरनेट मिलेगा, उसी से आपको हॉटस्पॉट मिलेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे बहुत जल्द इसके यहाँ पे जो वो डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा, लाइक 6 मंथ्स में शायद इसको लॉन्च कर दिया जाए, और मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताना, मैं यहाँ पे कुछ रिसर्च करके इसके बारे में एक वीडियो जरूर से आपको बना के दे दूंगा। गाइस सुनने में यह आ रहा है कि जियो का जो मीडिया केबल था जो कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं कुछ साल पहले उन्होंने यहाँ पे लॉन्च करा था, वापस से इस साल इनको लॉन्च करने जा रहा है। उस टाइम पे लॉन्च करके कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिला था, सबको नहीं मिला था बिकॉज उन्होंने जो उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था और यहाँ पर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। बट वापस से इस साल 2023 में इसको वो लॉन्च करने जा रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊँ, बिकॉज यहाँ पर इस साल जो IPL है वो जियो के अंडर में दिखाया जाने वाला है जियो सिनेमा में, और जियो चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इसी कारण से यहाँ पे इस डिवाइस को लॉन्च किया जा रहा है। उस टाइम पे बताया गया था कि सिर्फ आप जियो फोन में इसको लगाओगे तभी ये काम करेगा, बट यहाँ पे इस बार ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी फ़ोन में लगाओ ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने यहाँ पे बड़े से टीवी में आप जो है आराम से IPL वगैरह एंजॉय कर सकते हो स्मार्टफोन को कनेक्ट करके या फिर जियो फोन को कनेक्ट करके। वैसे देखते हैं कि यह कब तक लॉन्च हो पाता है। और बात करें अभी प्राइसिंग की, तो सुनने में ये आ रहा है कि इसका प्राइसिंग यहाँ पे 2000 के आसपास होने वाला है। अब 2000 रुपीज़ छोटे से डिवाइस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बिकॉज उतने में तो हमें आराम से जो है वो और भी डिवाइसेस मिल जाएंगे, जो वहाँ पे क्रोमकास्ट का फैसिलिटी मिल जाता है, या फिर किसी भी हम एंड्रॉयड बॉक्स में जो है जियो सिनेमा को इंस्टॉल करके कास्ट कर सकते हैं, या फिर जियो के सेट टॉप बॉक्स से उसे सस्ते में मिल जाता है। तो देखते हैं, अगर ये डिवाइस हमारे पास आता है तो इसका जरूर से रिव्यू करूँगा, वैसे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये लॉन्च होने जाता है। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।